रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह की। कोरोना संक्रमित 9 लोगों के संपर्क में रहे जिला कलेक्टर अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर पुनः पहले की तरह पूरी पॉजिटिव एनर्जी और एक सकारात्मक संदेश के साथ अपना प्रशासनिक दायित्व निभाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कोरोना वायरस से संबंधित अत्यंत अहम बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस को उन्होंने मेंटेन किया, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हैं तो यह बीमारी आपको कभी नहीं होगी। खुद को संक्रमण से बचाने के उपायों के साथ ही उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। डर या घबराहट की वजह से जांच से कतराएं नहीं, स्वयं का उदाहरण देने के साथ ही साथ उन्होंने जिले के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि मरीजों के इलाज भोजन की व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर में 9 लोग पॉजिटिव मिले थे, उसके बावजूद भी मैं बच गया। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मास्क मैंने लगातार पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। और मेरा गनमैन और मेरे 2 ड्राइवर दोनों पॉजिटिव मिले घर पे, और बाकी होमगार्ड वाले भी मिले, लेकिन ये लोग तो मेरे क्लोज ही रहे क्योंकि उनके साथ मैंने एक्सटेंसिवली बाढ़ के दौरान दौरा किया था, उसी जिसमें जब पॉजिटिव आया उससे 2-3 दिन पहले। लेकिन उसके बाद भी मेरा नेगेटिव मिला बिकॉज मास्क मैंने पहना था। हर समय मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। मेरा सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि इसका जरूर पालन करें। और इसके अलावा अभी जो नए निर्देश सरकार ने दिए हैं उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम आइसोलेशन की फैसिलिटी देंगे। जिसके घर पर एक कमरा है और अलग से टॉयलेट है, उन सभी को होम आइसोलेशन देंगे। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम हैं उनको घर आइसोलेशन की फैसिलिटी दी जाएगी और वो लोग घर पर रह के अपना इलाज करवा सकते हैं। और जिनके ज़्यादा सिम्टम हैं, जिनके सिम्टोमेटिक हैं या जिनको दिल की बीमारी है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज यदि हैं, उनसे मेरा स्पेशल अनुरोध है कि वो घर पे ना रहें, वो अपनी सारी बीमारी के बारे में बताएं और तत्काल एडमिट अस्पताल में हों। ऐसे लोग आगे आके अपना टेस्ट भी करवा लें। जो वृद्ध लोग हैं वो भी यदि ऐसा कोई फील कर रहे हैं, उन लोगों को आगे आके यदि जाँच करवाते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, तो उनको हम जल्दी से जल्दी अस्पताल में भेज के उनकी जान बचाने में कामयाब होंगे। तो सरकार का फोकस अब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, इसलिए ऐसे लोग जिनको सिम्टम हैं या पहले से कोमॉर्बिडिटी है उनको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। उनको हमको परिवार के सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि उनका टेस्ट जरूर करवा दें। हमने अपने सर्वे में भी काफ़ी लोगों का टेस्ट करवाया है जब लॉकडाउन था, फिर भी काफ़ी कोमॉर्बिडिटी वाले लोग बचे हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ एक पत्रकार महोदय कि अनफॉर्चुनेटली कोविड से डेथ हो गई, मिस्टर शशिकांत जी। अब उनके यहाँ पर कि 3-4 दिन से वहाँ पर उनको सिम्टम्स थे, लेकिन वो भी 3-4 दिन के बाद ही गए बिकॉज शायद उनको लगा कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि ऐसे समय में इंतजार ना करें। जिनको भी सांस लेने की प्रॉब्लम है, खांसी बुखार है, अपना टेस्ट तत्काल करवाएं। 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपका, तब तक आइसोलेट रखें। और यदि आप पॉजिटिव तो अस्पताल में जरूर जाएं बिकॉज ये बीमारी जो है कोई कई रूप ले रही है। तो हमारे को आज एक IAS अफसर की वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी डेथ हो गई है। तो इस तरह से हमको बहुत ही आवश्यक है, हम पूरा अपनी तरफ से सहयोग करें, टेस्ट के लिए आगे आएँ। जितना ज़्यादा हम टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो सिम्टोमेटिक लोगों को आगे आके टेस्ट कराना चाहिए, कोमॉर्बिड लोगों को आगे आके टेस्ट कराना चाहिए और जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटी में जाना चाहिए, तभी हम जान बचा सकते हैं। थैंक यू। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उचित इलाज की संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की है और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में पूरा प्रशासनिक महकमा इस कार्य में दिन रात लगा हुआ है। रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।